जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 13वें क्लास की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है, ये जो हमारा ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 13वां क्लास था, ये लाइव होने वाला था और सैटरडे को ये लाइव चली भी थी, लेकिन लाइव होने के बाद मैं वीडियो सेव नहीं कर पाया, वीडियो आपका एबॉर्टेड हो गया था, यानी कि डिलीट हो गया था। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फिर से इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन में हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की चर्चा करेंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझते हैं, फिर इससे संबंधित प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान सा है, बहुत ही हलवा सा है, बस एक बार आपको इसका कंसेप्ट समझना है, बाकी इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब 100% दे पाएंगे। मेरे मित्र, जब हम लोग एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आप में से कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि सर इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। साथ ही एटॉमिक मास को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? द्रव्यमान संख्या। तो जब हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं तो इंग्लिश में इसको हम लोग मास नंबर बोल देते हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि कोई भी तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, या किसी भी तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, आप सभी कहते हैं कि सर एटम होता है। क्या होता है सर? एटम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और आप सबों को ये भी मालूम है कि इस परमाणु का क्या होता है, अपना एक संख्या होता है और क्या होता है, अपना एक द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर इसको हम लोग समझेंगे कैसे और एक्चुअली में परमाणु संख्या क्या होती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर परमाणु जो है ये 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बना होता है? 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है आपका प्रोटॉन, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा क्या होता है, तो सर तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है सर, ऋणात्मक आवेश वाला कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? ऋणात्मक आवेश वाला कण माना जाता है, जबकि प्रोटॉन को क्या माना जाता है सर? धनात्मक आवेश वाला कण माना जाता है। और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? आप सभी कहते हैं गुरुजी ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। साथ ही आप सबों को ये भी मालूम है कि कोई भी परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, तो सर गोलीय होता है। और परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, तो सर नाभिक रहता है, और इसी नाभिक में आपका कौन रहता है, तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पे होते हैं सर? नाभिक में होते हैं। और ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सर? अस्थायी कण है, यानी कि ये नाभिक को छोड़ करके कहीं भी बाहर नहीं जाता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में क्या करता रहता है सर? चक्कर लगाते रहता है। तो सर इलेक्ट्रॉन आपका इस कक्षा में घूमते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिशील कण बोलते हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है सर? गतिशील कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? गतिशील कण है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? तो आप सभी कहेंगे सर अस्थायी कण है। क्या है सर? अस्थायी कण है। आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी हम लोग तो बात करने वाले थे परमाणु संख्या की, तो ये बताओ कि परमाणु संख्या क्या होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परमाणु संख्या क्या होता है, तो किसी भी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन उपस्थित होता है वही प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं परमाणु संख्या के बारे में कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है सर? परमाणु संख्या कहलाती है। आप कहेंगे सर हम लोग कैसे समझेंगे? बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं।
मेरे मित्र, आप सभी जो याद करते रहते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और फिर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है या फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो आप सभी यहां पे क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 12 होगा। क्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 17 होगा। और कार्बन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? आप कहेंगे 6। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे, सर अभी जस्ट आपने बताया है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? आप कहेंगे, गुरुजी परमाणु संख्या जो है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? आप कहेंगे प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। आप कहेंगे, सर ऐसा क्यों? मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितने भी परमाणु को आप देखते हैं वे सभी क्या होते हैं सर? विद्युतता उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी कि परमाणु पे कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब वही परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा तो परमाणु आपका किस में बदल जाएगा? आप कहेंगे आयन में बदल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये क्या बना लेगा? पॉजिटिव आयन, यानी कि धनात्मक आयन बना लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब ये क्या बना लेगा? ऋणात्मक आयन बना लेगा। ऐसे आप सभी क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं और इसीलिए इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सर मैग्नीशियम परमाणु में 12 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम परमाणु में 12 प्रोटॉन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप कहेंगे, गुरुजी इलेक्ट्रॉन भी 12 ही हो जाएगा। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? आप सभी कहेंगे कि सर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या 17 है तो प्रोटॉन संख्या 17 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सभी कहेंगे कि सर परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जेड इक्वल टू क्या कह सकते हैं? पी भी कह सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर जेड इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू ई होता है। और इसी फॉर्मूला को आप सभी याद करते रहते हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। ध्यान दीजिएगा कि आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और प्रोटॉन आपका कहाँ पे रहता है? तो सर प्रोटॉन नाभिक में रहता है। और आपको ये भी मालूम है कि प्रोटॉन आपका क्या होता है सर? धनात्मक आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं रहता है। तो जो आपका नाभिकीय आवेश होगा वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। मेरे मित्र, आप ये भी कह सकते हो कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो नाभिकीय आवेश की संख्या भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नाभिकीय आवेश की संख्या भी लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या होगा? 100% सही होगा। आप कहेंगे क्यों लिख सकते हैं? तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि चूंकि प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे रहता है? तो परमाणु के नाभिक में रहता है। और प्रोटॉन क्या है? धन आवेश है, जबकि इसके साथ जो न्यूट्रॉन रहता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक का जो आवेश होगा वो किसका आवेश होगा? प्रोटॉन का आवेश होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो नाभिकीय आवेश की संख्या के भी बराबर होती है। उम्मीद करते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है आप इसको समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्यमान संख्या की या फिर परमाणु द्रव्यमान की। ध्यान में रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान दोनों को ही हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है? तो मेरे मित्र, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है? उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या मिल जाता है। या आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है या फिर परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। आप चाहें तो इसको डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? तो गुरुजी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होगा, तो आप सभी कहेंगे सर परमाणु के नाभिक में होगा। कहाँ पे होगा? नाभिक में होगा। ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से न्यूक्लियॉन है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाएगा? न्यूक्लियॉन कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, आप सभी कह रहे हैं कि सर परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, दैट्स वाई हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? तो सर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या होगा? पी प्लस एन होगा। ए इक्वल टू क्या होगा? पी प्लस एन होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग ये कह रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो यहाँ से तो हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि सर न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी। क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे ए क्या है? तो द्रव्यमान संख्या है। ए क्या है सर? द्रव्यमान संख्या है। और पी क्या है सर? आप कहेंगे प्रोटॉन की संख्या है। क्या है सर? प्रोटॉन की संख्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आप सभी कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन जरा सा ये बताओ कि अगर हमको कोई ये बोलते कि किसी परमाणु को उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के साथ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अगर हमारा कोई एक्स परमाणु होगा और इस एक्स परमाणु को परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के साथ एक साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो हम सभी क्या करेंगे? एक्स परमाणु के बाएं भाग नीचे में क्या लिखेंगे सर? परमाणु संख्या लिखेंगे। ध्यान में रखिएगा, परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। और ये कहाँ पे लिखा जाएगा? तो सर परमाणु के बाएं भाग में नीचे में लिखा जाएगा, और आपका जो द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु के दाएं भाग में ऊपर में लिखा जाएगा। यानी कि जब भी आपसे कोई ये पूछे कि किसी परमाणु को उसके परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के रूप में एक साथ कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर परमाणु संख्या को परमाणु के बाएं भाग नीचे में लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या को परमाणु के दाएं भाग के ऊपर में लिखेंगे। ध्यान में रखिएगा कि इस जेड से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ इस ए से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो परमाणु के द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आपको यह बोला जाए कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो बस आप यह रिप्रेजेंटेशन तरीका अपनाएंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि चलो सर यह तो बहुत ही आसान सा चीज था, इसको हमने समझ लिया, लेकिन जरा सा यह बताओ अगर हमसे हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि Mg2+ में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तब हम क्या जवाब देंगे? या फिर अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि Fe2+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो हम क्या जवाब देंगे? या फिर अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि O2- में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तब क्या जवाब दिया जाएगा? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आप Mg2+ की बात कर रहे हैं, यहाँ Fe2+ की बात कर रहे हैं, या फिर O2- की बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? आप सभी कहेंगे कि सर इस पे चार्ज है, इसीलिए ये क्या है सर? आयन है। क्या है सर? आयन है। ये चार्ज है तो क्या है सर? आयन है। ये भी क्या है आपका? आयन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि Mg2+ में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। मेरे मित्र पहले आप ये बताओ कि आपका जो मैग्नीशियम परमाणु है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप सभी कहेंगे कि सर मैग्नीशियम परमाणु का एटॉमिक नंबर 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो मैग्नीशियम परमाणु में टोटल प्रोटॉन कितने हैं? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें टोटल प्रोटॉन कितना होगा? 12 ही होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम आयन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? भाई मेरे आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि प्रोटॉन जो है वो क्या है सर? अस्थाई कण है। जबकि यहां पे जो आयन बना है वो किसके चलते बना है? तो सर इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के चलते बना है।
यानी कि जो आपका परमाणु होगा और जो उस परमाणु का आयन होगा, दोनों में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। जबकि बदलेगा कौन? तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आयन फॉर्म होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा। तो हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे? हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी परमाणु के और उसके आयन के जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? डिफर होती है, अलग अलग होती है। तो आप बड़े ही आसानी से कहेंगे कि सर Mg2+ में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 होगा, जबकि यहां पे Mg2+ लिखा हुआ है, तो सर ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर मैग्नीशियम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 10 हो जाएगा। कितना होगा सर? 10 हो जाएगा। साथ ही आपसे यहां पे बात करा जा रहा है कि Fe2+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 26 होगा। और जब प्रोटॉन 26 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? आप कहेंगे सर 26 ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि Fe2+ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आप सभी क्या कहेंगे? सर आयन जब भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर गेन होगा। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है। इसीलिए क्या बना रहा है? धनायन बना रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो भाई मेरे, आप कह रहे हो कि फेरस के परमाणु में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, हटा देगा, तब ये क्या बना लेगा? Fe2+ बना लेगा। तो जब 26 में से दो इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 24 होगा। जबकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? आप कहेंगे प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है, यानी कि Fe2+ में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा सर? 26 ही होगा। कितना होगा सर? 26 ही होगा। ऐसे ही अगर आप O2- की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? ऑक्सीजन आयन की बात करेंगे, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे ये 2- लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है। क्या कर रहा है सर? दो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हो सर ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? आप कहते हो सर 8 होता है। दैट मींस इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? सर 8 ही है। और अगर प्रोटॉन इसमें 8 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो 8 ही हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि O2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आप क्या कहेंगे? सर ये दो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तब जाकर के ये क्या बनाएगा? निगेटिव आयन बनाएगा। तो सर पहले से इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है। दो और इलेक्ट्रॉन ये ले ले रहा है किसी से, तो इसमें सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि O2- में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, आप फिर से कहेंगे कि सर आयन जब बनता है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रोटॉन की संख्या अनचेंज होती है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर ऑक्सीजन आयन में यानी कि O2- में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो सर 8 ही होगा। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि इन सारे चीजों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन परमाणु के बारे में, कार्बन का आपका परमाणु दिया हुआ है 6, 12, और फिर कहा जा रहा है से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे कार्बन का परमाणु दिया हुआ है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सभी देख पा रहे हैं ये जो 6 है ये क्या है? तो सर कार्बन का परमाणु संख्या है। क्या है सर? कार्बन का परमाणु संख्या है। और आप सभी ने अभी जस्ट क्या देखा है? आप सभी ने देखा है कि सर परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है सर? 6 है। साथ ही आप सभी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है सर? 12। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 12 है तो हम लोग इसको परमाणु द्रव्यमान को A=P+N के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या भी पता कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ध्यान दीजिएगा कि परमाणु संख्या आपका 12 है और यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो आप बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी?
आप कहेंगे सर 12 माइनस 6 हो जाएगी, यानी कि आपके इस कार्बन परमाणु में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6। आप कहेंगे सर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो गुरु जी 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आपका पहला ऑप्शन है इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ से सर इसमें 12 न्यूट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, आप देख रहे हैं इसमें प्रोटॉन कितना है 6, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, सर ये भी गलत है। आपका चौथा ऑप्शन क्या है, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 6। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन का यहाँ पे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, F919 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर ये 9 क्या है, तो इसका परमाणु संख्या है, क्या है सर परमाणु संख्या है, और ये 19 क्या है, आप कहेंगे सर द्रव्यमान संख्या है, क्या है सर द्रव्यमान संख्या है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर अभी जस्ट आप बताए हैं कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो गुरुजी हमको पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सर इसका परमाणु संख्या 9 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होगा। प्रोटॉन की नंबर कितना होगा, आप कहेंगे गुरुजी 9 ही होगा। अब आपको क्या पता करना है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एन होता है, तो यहां पर द्रव्यमान संख्या कितना है 19, प्रोटॉन की संख्या कितना है सर 9, न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 19 माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आपका कितना आ जाएगा 10। तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे कि सर फ्लोरीन के परमाणु में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 प्रोटॉन होंगे, और क्या होगा सर 10 न्यूट्रॉन होगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, क्या होगी। आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है 10, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 17, आपसे पूछा जा रहा है कि ए इक्वल टू व्हाट। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरु जी ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है, तो हम लोग 10 प्लस 17 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान की संख्या है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 11, 35, 12, 23, क्या होगा इसका आंसर। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 109, दूसरा ऑप्शन है 298, तीसरा ऑप्शन है 189 और चौथा ऑप्शन है 487, क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है, तो सर तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 दिया हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है कि उसके नाभिक में कितना न्यूट्रॉन है, तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जेड इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर परमाणु संख्या इक्वल टू, हम लोग प्रोटॉन की संख्या पढ़े हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, तो क्या आप प्रोटॉन की संख्या नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरु जी अभी ये ना पढ़े हैं,
द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर ए के जगह हम 298 रखेंगे, प्रोटॉन की संख्या हमको निकालना ही है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? तो सर 189 दिया हुआ है। सर प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 298 माइनस 189। आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये 9 8 में से 9 जाएगा, तो सर यहाँ पे 9 आ जाएगा और फिर ये वाला आपका जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 109। यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? आप सभी कहेंगे सर प्रोटॉन की संख्या 109 है। मेरे मित्र जब आप ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या 109 है तो आप बताइए परमाणु संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर 109 ही होगी। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या डैश होगी, बताइए नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर आसानी से बना लेंगे। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या यानी कि जेड इक्वल टू कितना है सर? 19 है। साथ ही साथ द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? तो सर 39 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू व्हाट? आप सभी क्या कहेंगे? सर अभी ना हम लोग पढ़े हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या होता है। आप कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन में तो प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया हुआ है। भाई मेरे अभी क्या पढ़े हो कि सर परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? आप कहेंगे सर 19। क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या कितना है सर? 19 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 39 माइनस 19 यानी कि ये कितना होगा? 20 होगा। और सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 5 14 7 11, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 14 होता है। जब इसका परमाणु संख्या 7 है तो जाहिर सी बात है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है सर? 7 ही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सर 7 ही होगा। द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है सर? 14 दिया हुआ है। द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इक्वल टू क्या होता है? तो सर पी प्लस एन होता है। आपका ए कितना है? 14 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 14 माइनस 7 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना? 7 हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? मुंह जबानी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर प्रोटॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 22 है, यह दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मेरे मित्र अगर आपके पास इस तरह का बेसिक कंसेप्ट रहता है तो मेरे ख्याल से इन सब टाइप के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसका सॉल्यूशन आप अपने माइंड में कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चन के लिए आपको पेन और पेपर उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्यमान संख्या, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमाणु संख्या और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या होगा? आप सभी क्या कहेंगे? सर अभी तो हम लोग कितना बार बनाए हैं कि n इक्वल टू क्या होता है? a माइनस p होता है। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है N, दूसरा ऑप्शन है W, तीसरा ऑप्शन है W माइनस N और चौथा ऑप्शन है W प्लस N, क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसका परमाणु भार कितना है, तो सर परमाणु भार दिया हुआ है W, परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, तो सर परमाणु संख्या दिया हुआ है N।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस परमाणु के केंद्र में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। भाई मेरे आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या कितना है, एन है, तो आप बताइए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे एन होगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्रों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन और कंसेप्ट थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आपको पेन पेपर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप 100% उसका सही जवाब दे पाएंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।